सिवान में एक पत्रकार के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में गिरफ्तार अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना तब घटी जब नगर थाने की पुलिस अपराधी का मेडिकल चेकअप कराकर सदर अस्पताल से कोर्ट परिसर पहुंच रही थी। बता दें कि कल की शाम शहर के निराला नगर निवासी पत्रकार आकाश कुमार के पिता अमरनाथ श्रीवास्तव बाजार से घर लौट रहे थे तो आरोपी मोहम्मद शारिक ने अपाची बाइक से उसकी स्कूटी में धक्का मार उन्हें गिरा दिया था और उनसे रंगदारी की मांग करने लगा। वहीं जब पत्रकार आकाश कुमार वहां पहुंच विरोध किए तो मोहम्मद शारिक ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उनके साथ भी मारपीट की और उनकी शर्ट की जेब से रुपए निकाल बाइक पर बैठ फरार हो गया। घटना के कुछ देर बाद मोहम्मद शारिक आकाश कुमार के घर पर पहुंच जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद अगल बगल के लोगों की सहायता से पत्रकार आकाश ने उसे पकड़ नगर थाना पुलिस को सुपुत्र कर दिया। वहीं नगर थाना पुलिस जब उसका मेडिकल टेस्ट कराकर जेल भेजने के लिए सिविल कोर्ट ले जा रही थी तो वह पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी के साथ कोर्ट परिसर से फरार हो गया। अपराधी के पुलिस की कस्टडी से फरार होने की सूचना के बाद पत्रकार आकाश समेत उनका पूरा परिवार भय और दहशत में है। वहीं पुलिस फरार अपराधी की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। हालांकि SP शैलेश कुमार सिन्हा अभी पूरे मामले से खुद को अनभिज्ञ बता रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फरार मोहम्मद शारिक अपराधी पर्वती का है। पिछले दिनों उसने एक महिला पुलिस कर्मी के साथ भी बदतमीजी की थी। अपराधी के पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई है।